नहीं क्या हुआ यार। यस सो आई एम लाइव बच्चों, आ जाओ फटाफट। राजू कुमार, लाइबा, अंसारिया, हजरा, शिवानी, प्रियंका, यूसुफ, एवरीवन फटाफट आ जाओ। लेट मी चेक द क्वेश्चंस की आज की स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके चलो फटाफट आ जाओ, सब सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, है ना। सब जो है सेशन को शेयर जरूर करेंगे। ओपी किलर हेलो। हेलो वर्षा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो मनीषा कुमारी। ओके स्लाइड ठीक है, मैं चेक कर रही थी कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ आज, है ना बच्चों। ओके चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ, उसके बाद शुरू करते हैं अमेजिंग का सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैंने इस सेशन को रख दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2021। 100 सवाल लगाएंगे आज, ठीक है। डेली बेसिस पर हम इतने सवाल रोज ही कराते हैं, बट अभी जो है कल आपका जो टॉपिक होगा, आज तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस करा दीजिए, है ना, ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन, तो ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस भी बच्चों हम लोग करने वाले हैं। कल आपका मैं कराऊंगी ह्यूमन फिजियो, ह्यूमन फिजियो प्लस आपका इवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियो और इवोल्यूशन का मैं आपको PYQ कराऊंगी कल। ओके सो कल का टॉपिक आपका ये रहेगा। यस आर्यन कुमार हेलो, रजनीकांत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रजनीकांत। ओपी किलर 18 पूछ रहे हैं न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। बेटा अभी तो नीट जो है आपका नीट ओवर हो जाने दो, उसके बाद आपका न्यू बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके चलो ओके सो सब आगे शुरू किया जाए बच्चों। सेंड मी थम्स अप, हार्ट एंड स्माइल एवरीवन। हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस द जोश। थोड़ा तुम लोग का जोश देख के शायद मेरे अंदर जोश आ जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा थकान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तुम्हारे जोश का होना बहुत जरूरी है। तुम लोग को एनर्जेटिक देखूं तो मेरे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी, है ना। चलो रविंद्र कुमार यादव हेलो, रुपेश रावत हेलो, खुशबू खुशबू सिंधवानी ओके, आर्यन कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन, मोहम्मद वाहिद गुड इवनिंग। मैम कल मॉर्निंग में भी क्लास होगी ना बेटा, वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी ग्रुप में, आप मैसेज कर लेना वहां पर बता दूंगी। ओके एंड बाकी लोग जल्दी जल्दी थम्सअप हार्ट एंड स्माइली बच्चों, थम्सअप हार्ट एंड स्माइली तीनों की जरूरत होती है। थम्सअप कि भाई एनर्जेटिक एंड जोश हाई करने के लिए, स्माइली कि हमेशा खुश रहकर काम करो, और हार्ट तो भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है। आ गया ओके हाईएस्ट खुशबू सिंधवानी हाईएस्ट। ओके नीरज प्रियदर्शी इज ऑल्सो न्यू हियर, अंजलि कुमारी गुड इवनिंग। ओके सबिस्ता मिनी 77 चलो, विशाल पति हेलो। ओके जो भी बच्चे नए हैं वो सेशन को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट 2021। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक आपने पढ़ा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके फटाफट बताओ, इको हो रही है बेटा, इको हो रही है, एक मिनट वेट करो। एक मिनट मैं देखती हूँ।
ज्यादा दिक्कत है क्या आवाज में? चलो ये अभी मैं बोलती हूँ, सही हो जाएगा अभी, तब तक क्वेश्चंस पे ध्यान देते, ठीक है? अभी ये ठीक हो जाएगा, ओके? चलो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट आंसर देने वाले कितने हैं भाई? मनीषा, हजरा, मोहम्मद वाहिद, नीरज, बहुत अच्छे, शिवानी, आर्यन, सबने करेक्ट आंसर दिया है, ओके? सबने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे, कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम रिमेन रहता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? FRC, functional residual capacity, and this is equals to expiratory reserve volume plus residual volume, ठीक है? ये किसके बराबर होता है? Expiratory reserve volume plus residual volume. काम चल जाएगा, ठीक है? बच्चों तुम लोग काम चला रहे हो. चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है, अभी आ रहा है टीम, जो भी लोग ये सब देखते हैं टेक्निकल चीजें, वो आ रहे हैं तो वो देख लेंगे, राइट बच्चों? वो वाले भैया आ रहे हैं. चलो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड. बाय फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी, मानसी शो हो रहा है मैसेज, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद भी जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना ब्रीदिंग, कितना ले सकते हो अंदर, कितना सांस खींच सकते हो, तो दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हो प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. किसके बराबर हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक मिनट, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, तो बच्चों आप क्या ले सकते हो? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकते हो, ओके? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं देख लू इसको, ये चेक करा लेती हूँ इको वाली दिक्कत. खुशबू सिंधवानी, ओके, खुशबू सिंधवानी ने आंसर किया है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो. वेट अ मिनट, अब बताओ आवाज कैसी है? अब बताओ आवाज सही है बच्चों? Yes, अभी ठीक है आवाज, बताओ जरा. चलो अभी ठीक आ रही होगी, ठीक है? तो ये क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं भाई? तो दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके? सो दिस इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी. किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये वाइटल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, ओके? एकदम मस्त है, बढ़िया, एडजस्ट कर लेंगे. देखो अभी तो सही हो गई होगी यार, अभी तो देख लो सही हो गई होगी, ठीक है? सही हो गई आवाज, बिल्कुल बढ़िया है. चलो चलो आगे चले बच्चों, आगे चले. हाँ चलो, रक्षित भी यहाँ पर है, हाय रक्षित. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड. By forceful expiration से हम कितना additional volume expire कर सकते हैं? Expire, forceful expiration से normally तो हम क्या लेते देते हैं? Tidal volume, inspire expire करते हैं tidal volume which is 500 ml. बस forceful expiration से कितना volume expire करते हैं? वो होता है आपका expiratory reserve volume. कितना होता है बच्चों? Expiratory reserve volume, okay? ERV आपका right answer हो जाएगा, okay? चलो next question बच्चों, on the basis of given DNA fingerprint मैच दी चिल्ड्रंस के एंड एल. ये दो बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं, एक का नाम है के, एक का नाम है एल. दीज आर दी चिल्ड्रंस विद देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट ए बी सी डी. यहाँ पर पेरेंट्स है बच्चों ए बी सी एंड डी. आपको बताना है कि किसका कौन सा चाइल्ड है, ओके? डीएनए पैटर्न को मैच करके. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है तुम्हें पता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे तो बहुत क्रिमिनल वाले सीरियल्स, जो ये क्राइम वाले एपिसोड्स आते हैं ना, बहुत देखते होगे तुम लोग, है ना? मम्मी से छुप छुप के क्राइम एपिसोड वाले, जो क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड्स तुम लोग बहुत देखते होगे, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, ओके? ये सब तो तुम लोग देखते होगे. बट क्या तुम्हें पता है कि उसमें जो कहते हैं ना, कोई भी सैंपल मिलता है जहां पर क्राइम किया गया है उस लोकेशन पर, कोई भी सैंपल मिला तुरंत भेज देते हैं CID वाले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ. तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए का पैटर्न देखते हैं. क्या देखते हैं? डीएनए का पैटर्न, ओके? सो यहां पर देखो ए वाले का पैटर्न किससे मैच कर रहा है?
किससे मैच कर रहा है, ए वाले का पैटर्न के वाले से मैच कर रहा है, तो ए का चाइल्ड कौन हो गया, के, तो के किसका चाइल्ड हो गया बच्चों, ए का, ओके तीनों ऑप्शन में दिया है, और एल का पैटर्न मैच कर रहा है डी से, तो एल किसका चाइल्ड हुआ, डी का, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आई बात समझ, सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं डीएनए पैटर्न वाले, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोसिस्टमैटिक वॉज कॉइंड बाई, बायोसिस्टमैटिक टर्म वॉज गिवन बाई, चलो बायोसिस्टमैटिक टर्म किसने दिया, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, हाँ सस्पेक्ट क्राइम, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सो ये दो साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, कैंप एंड गिरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था बायोसिस्टमैटिक, ओके ये सब तो याद करने वाली चीजें। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वॉज डिस्कवर्ड बाई, भाई फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोथैले, ठीक है, मेल मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग बॉडी पर, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग बॉडी पर, हेट्रोथैलिज्म पाया जाता है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ए एफ ब्लैक्सली नाम के साइंटिस्ट ने हेट्रोथैलिज्म को डिस्कवर किया था बच्चों फंजाई में। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये यहाँ पर आपको स्टेटमेंट चार दिए गए हैं, इन दीज हाउ मेनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं बच्चों, ये आपको बताना है। देखो थोड़ा टिपिकल जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, मैं आपको बताऊं, वो थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, और वो एक सवाल जो होता है ना वो चार के बराबर होता है, ठीक है, एक सवाल आपका चार के बराबर होता है, तो आप पढ़ते हैं इसको। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द इंटरनेशनल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। बेटा नीट तुम्हारे साथ यहां पर खेलती है, इस लेवल पर तुम्हारे साथ खेला जाता है नीट एग्जाम में। अब बताएं यहाँ पे इंटरनेशनल पेटेंट नहीं है बच्चों, ये यूएस पेटेंट है, ठीक है, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा पेटेंट कराया गया था बासमती राइस पे, ओके। तो यहां पर जो है आपका नीट खेल गई कि नहीं खेल गई। अब देखो, देयर आर एन एस्टिमेटेड 50,000 वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया, भाई राइस की वेराइटी सिर्फ 50,000 नहीं, इंडिया में कितनी है बच्चों, 200,000 वेराइटीज है राइस की इंडिया में, ठीक है, यहां पर भी एनसीईआरटी खेल गई। अब देखो, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992 अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डाई एमाइनेज डेफिशियंसी, यहां पर भी नीट ने चौका मार लिया, और उसने डाई एमिनेज, यहां पर डी एमिनेज होना चाहिए, डीई, सिर्फ एक आई अल्फाबेट का डिफरेंस है, डाई एमिनेज नहीं बच्चों, डी एमिनेज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। एंड इन 1983 एली लिली कंपनी प्रिपेयर्ड डीएनए करेस्पॉन्डिंग टू ए बी एंड सी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, तो बेटा एली लिली कंपनी बनाएगी तो ए और बी चेन्स को अलग अलग बनाती है, बाद में उसको डाइसल्फाइड से जोड़ देती है, सी चेन नहीं बनाती क्योंकि उसको पता है सी चेन को बाद में हटा के फेंकना है, भाई एली लिली कंपनी को पता है कि सी चेन को बाद में उठा के फेंकना है, तो वो क्यों सी चेन बनाएगी, वो ए अलग बनाती है, बी अलग बनाती है, डाइसल्फाइड से जोड़ के इंसुलिन बना देती है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है बेटा, चारों के चारों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं B3-2, और कुछ लोग तो डी ऑप्शन के फेवर में, नन ऑफ दीज, क्वेश्चन पढ़ा देखा एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, लगा दो नन ऑफ दीज, और लगा के चले आए और ये हाल हो गया, चारों के चारों गलत है नालायकों, ध्यान से क्वेश्चन देखा करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फैसियोला इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, करेक्ट है। रेडियल सिमेट्रिक कुकुमेरिया में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन फाइसेलिया, करेक्ट है। टीनिया इज सूडो सिलोमेट एनिमल, बेटा टीनिया क्या है, प्लेटीहेलमिन का मेंबर है और ये ए सिलोमेट होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डॉक्टर निशा कन्नौजिया इनकरेक्ट नहीं देखा, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट बच्चों, हु इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बेटा ये जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है ना, मिस्टर अर्नेस्ट मेयर, ये जो अर्नेस्ट मेयर है ना, इनके ऊपर तो, इनको तो नीट से पता नहीं, नीट का इनके साथ कौन सा रिश्ता नाता प्रेम संबंध है कि नीट बिना इनके कोई क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं करती। अगर आपका लिविंग वर्ल्ड से कोई सवाल आ रहा है तो इनका नाम जरूर आएगा, अर्नेस्ट मेयर का नाम बेटा जरूर आएगा, ओके। राहुल मलिक, हेलो मैम कैसे हो आप, मैं एकदम बढ़िया राहुल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूजेस ऑफ बायोनोमियल नेम्स फॉर प्लांट स्पीसीज वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क बाय, भाई बायोनोमियल नेम्स के इस्तेमाल को, या प्लांट स्पीसीज के लिए जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया
उसको सोसाइटी ने या सबने एक्सेप्ट किया. कब एक्सेप्ट किया? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क बाय किसने, किसने पब्लिकेशन कराया था, किसने काम किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे. ये भी बहुत आसान सवाल है. लीनियस भाई, कार्लस लीनियस को तुम नहीं भूल सकते. अगर कार्लस लीनियस को तुम भूल जाओगे ना बेटा, बहुत बड़ा पाप लगेगा तुम्हें. इट विल मतलब बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर तुम कार्लस लीनियस को भूल गए. पूरी बायोलॉजी का नोमेनक्लेचर इन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने ही सजेस्ट किया, तो इनको तुम नहीं भूल सकते. नेक्स्ट बच्चों, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट दैट दिस प्लांट बिलोंग्स टू द क्लास. भाई ये प्लांट है, यहाँ पे आपको बताना है ये किस क्लास से बिलोंग करता है. क्लास पूछा है बच्चों, क्लास. ये नहीं पूछा है कि टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, क्लास पूछा है. ओके चलो, तो क्लास आपको पता होनी चाहिए. पहली बात तो ये प्लांट देख के आपको पता चल गया होगा है क्या ये. ये है क्या बच्चों? ये है आपका लाइकोपोडियम, सॉरी ये है आपका साल्विनिया और सिलेजिनेला. ये किसका प्लांट है बच्चों? सिलेजिनेला का प्लांट है ना. एक बार एनसीईआरटी में इसको चेक कर लेना, ये सिलेजिनेला. ओके तो ये किस में पाया जाता है, किस क्लास में पाया जाता है? अच्छा कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं बच्चों. स्पिनोप्सिडा? नहीं बेटा, इसको इसको एक बार एनसीईआरटी में चेक करो तो ये किसका प्लांट है, ये साल्विनिया है या सिलेजिनेला है, किसका प्लांट है, एक बार एनसीईआरटी में चेक करो इसको. फटाफट एनसीईआरटी खोलो और चेक करो, चेक करो ये किसका मेंबर है, ये किसका डायग्राम है. बच्चों मैं एक बार कंफ्यूज हो रही हूँ, इसको एनसीईआरटी में चेक करके फटाफट बताओ. साल्विनिया है, लाइकोप्सिडा, हाँ जी ये लाइकोप्सिडा का मेंबर है, बट ये प्लांट का नाम बताओ बच्चों. बहुत अच्छे रक्षित, बहुत अच्छे. चलो प्लांट का नाम बताओ, कौन सा प्लांट है ये, फटाफट बताओ. सिलेजिनेला, ओके. सो सिलेजिनेला है. और बेटा सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम दोनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं? लाइकोप्सिडा से. किससे बिलोंग करते हैं बच्चों? लाइकोप्सिडा से. ओके राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है बच्चों, इधर उधर मत भटको. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लोकेटेड ऑन दी. ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहां पर लोकेटेड होता है बच्चों? बेसिलर मेम्ब्रेन पर. कहां पर लोकेटेड होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर. ओके यस, सिलेजिनेला. ओके चलो क्वेश्चन 13, द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग वाज डिस्कवर्ड बाय. बाय सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी बच्चों किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था सेल को. और यही बता दो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो ये भी याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन. ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. और सेल की डिस्कवरी किसने किया था? हुक ने. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट और शो बाइपेडल मूवमेंट. बाइपेडल मूवमेंट सबसे पहले किसने, किसमें देखा गया था? ह्यूमन इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा. बाइपेडल मूवमेंट का मतलब समझ लो, दो पैरों पर चलना सबसे पहले किसने शुरू किया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने. अच्छा इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए, जो सीक्वेंस है ना इवोल्यूशन का, कि सबसे पहले कौन आया? ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट बच्चों, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ये क्या है? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैसेस के डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट आंसर करेंगे बच्चों. अब देखो ये सब एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हर साल. ओके हर साल पूछे जाते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बता दो. अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? CO2 की. सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? CO2 की, देन CH4 की, देन CFC की और देन N2O की. राइट तो सबसे ज्यादा परसेंटेज डी. डी क्या हो जाएगा? CO2. सी क्या हो जाएगा? CH4. बी हो जाएगा CFC और ए हो जाएगा N2O. राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन. सत्यम चौधरी लिख रहे हैं तुक्का मार रहे हैं सब. तो बेटा तुक्का सब मार रहे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबको बताने के लिए बैठे हो कि सब तुक्का मार रहे हैं? अजीब अजीब लोग आ जाते हैं यार चैट बॉक्स में. फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, बेटा इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है? इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है बेटा? एस आर कश्यप. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स. व्हेन कैथरीन इसाउ डाइड इन द ईयर 1997. जब कैथरीन इसाउ की
डेथ हो गई। अब इनका नाम आपने कहां पर पढ़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर की शुरुआत में ये दिया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल वाली यूनिट में इनका नाम दिया गया है, राइट इनका नाम दिया गया है। तो जब उनकी डेथ हुई 1997 में, डैश डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी बोटैनिकल गार्डन रिमेंबर्ड दैट शी डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। किसने किसने इस चीज को रिमेंबर किया? Answer me fast everyone, question number 17। तो ये कौन थे बच्चों? ये थे पीटर रावेन। पीटर रावेन ने इस बात को बोला कि शी डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी एट द एज ऑफ 99। सोचो 99 की होके भी उन्होंने कितनी सारी डिस्कवरीज कर दी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैथ्स की कॉलम है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, फटाफट मैच कर दो, बहुत आसान सवाल है। अरे बहुत आसान सवाल है, समझ में नहीं आता है क्या तुमको? बहुत आसान सवाल है बेटा, जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आओ बताती हूँ क्या होगा। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड, एसिड लगा है भाई, यहीं से पहचान गया। बेसिक अमीनो एसिड लाइसीन, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, यस्टरडे ओनली आई हैव टोल्ड यू। ओके नेक्स्ट बच्चों, न्यूट्रल अमीनो एसिड, 2020 का सवाल था ये, न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा आपका? वैलीन हो जाएगा, और एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा फेनाइल अलानीन। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। आई बात समझ? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर ऑर्गन इज, कान में जो ऑर्गेनिक सॉरी ऑडिटरी मैकेनोरिसेप्टर्स ऑर्गन है, मैकेनोरिसेप्टर का मतलब ये आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, इसलिए मैकेनो और रिसेप्टर ऑर्गन, राइट। तो इसका जो पूरा सिस्टम है भाई, इसका आपको क्या बताना है? सीक्वेंस बताना है। फटाफट बता दो सीक्वेंस, बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत है आसान सवाल है। सबसे पहले होता है पिन्ना, पिन्ना के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है बच्चों, मैलियस भी नहीं होता है, पिन्ना होता है, फिर ऑडिटरी कैनाल होता है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, देन होता है मैलियस, इनका सिस्टेम्स, ईयर ऑसिकल्स, उसके बाद कॉक्लिया एंड देन ऑडिटरी नर्व। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रोहित चौधरी, ये कौन सा बैच है मैम? बेटा दिस इज फॉर नीट 2021, दोज हु आर गोइंग टू डू नीट 2021 दिस ईयर, उनके लिए ये क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। ओके नेक्स्ट बच्चों, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, बेटा दो जेड लाइन के बीच जो मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर था, उसको हमने क्या कहा था? ये आपका मायोसिन है, ये आपका एक्टिन है, जो जेड लाइन से कनेक्टेड है ये वाला एक्टिन है, बीच वाला मायोसिन है, ठीक है। तो इस दो जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हमने क्या कहा था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल कह सकती हूं मैं, इसको मैंने कहा था सार्कोमेयर, और आपको पता है सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? डी वाला ऑप्शन, ठीक है, बोथ बी एंड सी। ओके नेक्स्ट बच्चों, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इन फ्रॉग कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइन द, फ्रॉग में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है साइनस वेनोसस, और बेटा ये क्या ज्वाइन करता है? तो इट ज्वाइंस द राइट एट्रियम। किसको ज्वाइन करता है? राइट एट्रियम को। नेक्स्ट बच्चों, कंपेयर द कॉलम्स एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो जल्दी से कंपेयर करो, मैच करो और फटाफट बता दो। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करेगा बच्चों? इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा है, ये साइट ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए। सेरिब्रम इज द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस कौन डिसाइड करता है भाई? आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम इट मेंटेन द बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। अल्कोहल पीने पर आप क्यों लड़खड़ाने लगते हो? मैं शराबी क्यों होता है भाई? क्योंकि आपका सेरिब्रम सबसे पहले इफेक्ट हो जाता है आपका सेरिब्रम, और सेरिब्रम जैसे ही थोड़ा सा इफेक्ट हुआ तुरंत आपका बैलेंस जो है डगमगाने लगता है, राइट। इसके बाद क्या? हाइपोथैलेमस, बेटा हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंड मिड ब्रेन क्या करता है बच्चों? इट कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना के बारे में आपने पढ़ा है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मैच है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको रिकॉग्नाइज करना है भाई, एनसीईआरटी का डायग्राम है और आपको याद होना चाहिए, बंद आंखों से भी डायग्राम दिखना चाहिए बच्चों। ये किसका डायग्राम है फटाफट बता दो? क्वेश्चन नंबर 23 भाई, ये क्या है? एपिथीलियल है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम का डायग्राम है, और ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन। ओके नेक्स्ट बच्चों,
हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल। बेटा अगर क्रेब्स साइकिल आपको नहीं याद है तो फटाफट क्रेब्स साइकिल के बारे में एक चीज लिख लो कि एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में 3 NADPH2 बनता है, 2 FADH2 बनेगा और 1 GTP बनता है। फिर ये ETS में जाके 3 एक NADPH2 कितना ATP बनाता है बच्चों, 1 तो 3 कितना बनाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर 9। 2 FADH2 कितना बनाएगा, 2 यानी ये हो गया आपका 2, 1 FADH2 सॉरी 1 FADH2 बनता है बच्चों, 1 FADH2 तो ये बना दिया आपका 2 ATP और 1 GTP मतलब 1, तो ये 9 3 12 हो गया। अब आपको पता है क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है पाइरूविक एसिड, ग्लूकोज 2 पाइरूविक एसिड बनाता है और 1 पाइरूविक एसिड जब जाता है तो 12 ATP बनाता है, तो पर ग्लूकोज अगर पूछा है तो दूसरा पाइरूविक एसिड भी ऐड करेंगे मतलब कितना 24 ATP। राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 ATP। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADPH2 बनता है, 1 FADH2 बनता है, 1 GTP बनता है, तो 3 NADH2 9 ATP बनाया, 1 FADH2 2 ATP बनाया, 9 2 11 और 1 GTP ने 1 ATP बनाया, तो 9 2 11 और 1 12, तो यानी एक पाइरूविक एसिड एंटर किया तो कितना बना 12, तो पर ग्लूकोज पूछा है मतलब एक ग्लूकोज से 2 पाइरूविक एसिड, तो 2 पाइरूविक एसिड कितना बनाएगा 24, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, In which one of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? By कौन से ऐसे plants हैं जिसमें male and female gametophyte free living नहीं होता है? आपको पता है किसमें नहीं होता है? जिम्नो में। जिम्नो के gametophyte sporophyte पर dependent होते हैं। बेटा ये independent नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जिम्नो का example कौन है? जिंको। कौन है बच्चों? जिंको। Okay? Next, annelid's neural system consists of paired ganglia that are connected to the double ventral nerve cord by. बेटा annelids का nervous system आपने पढ़ा है? Annelids का nervous system आपने पढ़ा? Annelids में आपने पढ़ा था earthworm. Earthworm में क्या पढ़ा? Paired ganglia that are connected to the double ventral nerve cord by. किससे connected होते हैं? तो ये connected होते हैं lateral nerve से. किससे connected होते हैं बच्चों? Lateral nerve से. Right? आई बात समझ? चलो next question. For the unisexual flower, the steps in artificial hybridization are. कोई भी unisexual flower है, unisexual flower का मतलब flower में या तो male part है या तो female part है, तो उसका अगर artificial hybridization कराना है तो क्या उसमें emasculation कराने की जरूरत पड़ेगी? भाई emasculation हम कब कराते हैं? जब flower क्या हो? Bisexual हो, यहाँ पर आपकी ovary present हो और यहाँ पर आपका anther present हो, तो यहाँ पर emasculation कराते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं। बट कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? वहां पर हम क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे और फिर रीबैगिंग कर देंगे। ओके, सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जेसी बोस प्रपोज्ड द थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप नोन एज। जेसी बोस ने कौन सी थियरी दी थी? एसेंट ऑफ सैप। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं पल्सेशन थियरी। और क्या कहते हैं एसेंट ऑफ सैप थ्योरी को? पल्सेशन थ्योरी। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि जेसी बोस ने कौन सी थ्योरी दी? पल्सेशन थ्योरी एंड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप को और क्या कहते हैं? पल्सेशन थ्योरी। तो इंटरलेट करके यही सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय, भाई हजार बार तुम लोग जानते हो कौन है? कार्लस लिनियस। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हैच एंड स्लैक हु डिस्कवर्ड अल्टरनेट मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन वर फ्रॉम। By Hatch and Slack cycle आपने पढ़ी थी। कौन सी cycle पढ़ी थी? C4 cycle को कहते हैं। Hatch and Slack cycle पढ़ी थी। C4 cycle को कहते हैं Hatch and Slack cycle। और जिन plants में ये पाया जाता है उन plant को कहते हैं C4 plant। क्यों कहते हैं C4 plant? इनमें एक अलग तरह की anatomy पाई जाती है जिसका नाम होता है Kranz anatomy। क्या नाम होता है बच्चों? Kranz anatomy। कौन सा नाम? Kranz anatomy। ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा था? बंडल शीट सेल्स पढ़े थे, ठीक है, और मीजोफिल सेल्स पढ़े थे, बंडल शीट सेल्स इसके चारों तरफ बनाते हैं, अराउंड घिरे होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपने पढ़ी है Kranz anatomy। तो ये हैच एंड स्लैक बेटा ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रेलिया। देखो गलती तुम लोग कितनी गलती करते हो। प्रतीक्षा, बेटा प्रतीक्षा ए ऑप्शन बता रहे, इंग्लैंड के नहीं थे। क्यों बेचारे को इंग्लैंड भेज रही हो? अच्छे खासे तो इतने अच्छी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से थे तो बच्चों दोनों हैच एंड स्लैक। ओके,
नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहां पर भी आपको पांच स्टेटमेंट पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. स्टेटमेंट वाले सवाल देखने में थोड़े डरावने लगते हैं, एग्री करते हो कि नहीं मुझसे बेटा? डरावने लगते हैं कि नहीं लगते हैं बताओ? आमिर, वर्षा, लाइबा, फटाफट बताओ. स्टेटमेंट वाले सवाल डरावने लगते हैं ना, देख के लगता है थोड़ा सा मिनी हार्ट अटैक आ रहा है ना? बट बेटा बहुत आसान होते हैं. आओ दिखाओ कैसे आसान होते हैं. आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. बेटा रो फैक्टर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है. क्या करता है? रोकता है. इट टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन. इनिशिएट करने का काम सिग्मा करता है. कौन करता है? सिग्मा फैक्टर. ओके चलो नेक्स्ट. ये तो गलत हो गया. इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. भाई बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है. आपको पता है बैक्टीरिया में क्या नहीं होता बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका डीएनए है. डीएनए से जैसे ही आरएनए बनता है, मान लो ये आरएनए बना, अभी ये कंपार्टमेंट में आरएनए इसका ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है, यहाँ पर आरएनए बनी रहा है, यहाँ पर इसका क्या शुरू हो जाता है? ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, तो बेटा ये वाला स्टेप आपका करेक्ट है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं. ओके, आरएनए पॉलीमरेज 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए. बेटा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? 1, 2, 3 तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और ये क्या बनाते हैं? आरएमटी, आरआरएनए, देन एमआरएनए, देन टीआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? आरआरएनए, 2 बनाएगा एमआरएनए, थर्ड बनाएगा टीआरएनए. तो टीआरएनए तो आरएनए पॉलीमरेज 3 बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं बनाएगा. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग. सिर्फ अभी तक सेकंड वाला करेक्ट हुआ है. ओके, When hnRNA undergoes capping process, the adenylate residue are added at 3 prime end in template independent manner. तो बेटा जब hnRNA की प्रोसेसिंग होती है तो कैपिंग होती है और टेलिंग होती है. कैपिंग प्रोसेस में क्या ऐड करते हैं? कैपिंग प्रोसेस में ऐड करते हैं मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनाइलेट रेसिड्यू को हम क्या करते हैं? टेलिंग प्रोसेस में ऐड करते हैं. और ये ऐड भी करते हैं हम 5 प्राइम एंड पर, 3 प्राइम एंड पर नहीं करते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. एचएनआरएनए इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मैच्योर एमआरएनए के पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए. तो यहां पर सेकंड और फिफ्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन. बहुत अच्छे हजरा खान, मनीषा कुमारी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने. राजू कुमार, ओके. नेक्स्ट बच्चों, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज. बाय सॉइल में प्रेजेंट, सॉइल में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं किसी एट अ टाइम, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट. क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट. स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. आई बात समझ बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वॉज फाउंड टू बी दिस. वॉट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए? तो आपको पता है अगर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो बिल्कुल आरएनए भी उसी तरह का बनेगा. आरएनए भी बिल्कुल उसी तरह का बनेगा, सिर्फ क्या होगा? थायमिन की जगह आ जाएगा आपका यूरेसिल. कौन आ जाएगा बच्चों? थायमिन की जगह आ जाएगा यूरेसिल. तो CATCAU, GGT, GUU, UAU ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ए ऑप्शन. आई बात समझ? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एट स्टार्च. किसने बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स के वो कहाँ बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. और ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में. इस बात को बताने वाले कौन थे बच्चों? जूलियस वॉन सैक. कौन थे? जूलियस वॉन सैक. ओके, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स भी बताया था. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा देखो, काफी आंसर बहुत करेक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर्स बहुत करेक्ट कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग सारे आंसर्स जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो. आंसर्स तुम लोग जब अच्छा देते हो ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है. फिर ना एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बच्चों. एकदम मन करता है कि कितना और पढ़ा दिया जाए, है ना? कितना और पढ़ा दिया जाए तुम लोग को. चलो अच्छा, जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो लोग सेशन को लाइक कर दो प्लीज. सेशन को बेटा लाइक जरूर करना है आपको. उससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटेड दैट वाटर इज इलेक्ट्रॉन डोनर इन फोटोसिंथेसिस. भाई किसने बताया कि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कौन करता है?
कौन करता है बच्चों? तो ये वाटर करता है, और ये बात बताई थी किसने? इमर्सन ने। किसने बताई बच्चों? इमर्सन ने। Which of the following symptom is not due to manganese toxicity in plant? बेटा कौन सा सिम्टम है जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं होगा? नहीं होगा। तो अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, ये तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी में होता है। कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट एपेक्स इज इनहिबिटेड, हाँ जी, ये कैल्शियम और आयरन के साथ कंपीट करता है, इसलिए कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। डेफिशियंसी ऑफ आयरन कैल्शियम एंड मैग्नीज इंड्यूस, तो बेटा मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी है तो मैग्नीज का डेफिशियंसी तो नहीं होगा ना, यहाँ पर आयरन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होना चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी। ओके, संजय भरवदा पूछे मैम क्वेश्चन 30 एनसीईआरटी में दिया, बेटा याद ही नहीं क्वेश्चन 30 कौन सा था, अभी देख लूंगी उसके बाद बता दूंगी, अभी क्वेश्चन 30 देख के फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हु फर्स्ट सजेस्टेड प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल्स इन प्लांट, किसने सबसे पहले बताया कि प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल्स, मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसने बताया कि प्लांट्स में इस तरह के हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं? इस बात को सिद्ध करने वाले थे FW Wendt नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, FW Wendt नाम के साइंटिस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों, जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर, भाई जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की किस ईयर में? 38 का आंसर बताओ, किस ईयर में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी? तो 1774 के दौरान इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट, लैम्प्रे बिलोंग्स टू डिवीजन, बेटा लैम्प्रे किस डिवीजन से बिलोंग करता है? तो दिस बिलोंग्स टू एग्नेथा, एग्नेथा, मिक्सिन, हैगफिश, लैम्प्रे, ये सब आपने एग्जांपल्स पढ़े थे। नेक्स्ट, वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, भाई मियोसिस के दौरान वेरिएशंस क्यों देखने को मिलते हैं? हमारे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होती है? मियोसिस होती है, और मियोसिस लीड्स टू वेरिएशन। इसमें वेरिएशन क्यों होते हैं बच्चों? तो दो कारण है, एक तो आपको पता है क्रॉसिंग ओवर इज द मेन रीजन, क्रॉसिंग ओवर होता है इसलिए मियोसिस होती है, बट एक और रीजन है वो क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे आपके फादर में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट था, आपकी मदर में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट था, इनका जो बच्चा हुआ इनमें कभी फादर का कैरेक्टर भी आ सकता है, मदर का भी, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। फादर का एक कैरेक्टर आ गया, मदर का एक कैरेक्टर आ गया, तो बच्चों फादर और मदर का कैरेक्टर आ रहा है मतलब इनमें प्रेजेंट होने वाले जीन्स क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा? ये बात समझ में आई? ओके चलो, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो अ रीजन एंड क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो अ रीजन फॉर वेरिएशन। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और जिसने जिसने करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल सही पकड़े हो, बहुत सही पकड़े हो, एकदम यही ऐसे ही वहां एग्जाम में भी पकड़ना है, ठीक है। हर क्वेश्चन का ट्रिक जो है वहां पर पकड़ना है और क्वेश्चन को धराशायी करके चले आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल लास्ट बाई इंटरफेज इन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, बेटा सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 95% होती है, दैट इज 24 आवर का 95% कितना हुआ? 23 घंटा। तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें प्लांट के कैरेक्टर, एनिमल के कैरेक्टर और फंजाई के कैरेक्टर, तीनों के तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं? भाई तीनों तरह के एनिमल्स, तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा किंगडम है? चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 फटाफट बताओ बच्चों। यस, दिस इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखो आप, इसमें तीनों किंगडम को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट बच्चों, सेल्स आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म इन द रीजन ऑफ, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो छोटे होते हैं, थिन वॉल होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म पाए जाता है? तो ये सेल्स पाए जाते हैं किसमें? मेरिस्टमैटिक जोन में ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी शो करने वाले सेल्स में, बिल्कुल यही कैरेक्टर्स होते हैं, ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ईच ओवरलैप्स अ पेटल ऑन वन साइड एंड इज ओवरलैप्ड बाय अदर पेटल ऑन द अदर साइड, द एस्टिमेशन इज, ये आपका एक पेटल है,
एक पेटल दूसरे को एक साइड में ओवरलैप कर रहा है, मान लो ये ऊपर से इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एंड इज ओवरलैप्स पेटल ऑन वन साइड, एक तरफ तो ये पेटल को ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका दूसरा पेटल है, ये इस पेटल को ओवरलैप कर रहा है, और दूसरी साइड खुद एक दूसरे पेटल से ओवरलैप हुआ पड़ा है, ठीक है, दूसरे पेटल से ओवरलैप हुआ पड़ा है, तो ये कौन सा एस्टिमेशन हुआ बच्चों, ये हुआ आपका ट्विस्टेड एस्टिमेशन, क्या होगा ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ओके, यस, देखो रक्षित ने एग्जाम्पल भी भेज दिया है, चाइना रोज कॉटन एंड लेडी फिंगर, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, चाइना रोज कॉटन, ओके बहुत अच्छे, ट्विस्टेड एस्टिमेशन प्रेजेंट होता है, ओके, नेक्स्ट बच्चों, द निम्फ ऑफ कॉकरोच ग्रोज बाय माउल्टिंग टू रीच द एडल्ट फॉर्म, इन निम्फ माउल्टिंग टेक्स प्लेस अबाउट, बेटा निम्फ कॉकरोच में निम्फ जो होता है उसमें कितनी बार माउल्टिंग होती है कि वो एडल्ट में बदलता है, तो यस इट शोज माउल्टिंग अप टू 13 टाइम्स, 13 टाइम्स इसमें माउल्टिंग होती है, आई बात समझ, नेक्स्ट बच्चों, द ऑर्गेनिज्म शो बिलो बिलोंग्स टू द क्लास, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया गया है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो बेटा इतना प्यारा सा ये डायग्राम है, और ये आपका है कौन, ये है आपका रेड एल्गी, कौन है रेड एल्गी, साइफोनिया, बेटा यहाँ पर अगर एग्जाम में अगर तुम इन रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी को नहीं पहचानोगे ना बेटा, बहुत बुरा मान जाएगी एनसीईआरटी, बहुत बुरा मान जाएगी भाई, एनसीईआरटी को बुरा मनवा के मत आना, एनसीईआरटी तुम्हारी क्या है आजकल, गीता कुरान, गीता और कुरान हो रखी है तुम्हारे लिए एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी को बुरा नहीं मनवाना, ये क्या है आपका पॉलीसाइफोनिया, दैट इज रेड एल्गी, तो रोडोफाइसी का मेंबर है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ओके नेक्स्ट, और बहुत अच्छा तुम लोग जवाब दे रहे हो, रक्षित, विकास, सीबा, जमन, रजा, संजय, भरवदा, मोहम्मद, वाहिद, शिवानी, हजरा, मिनी, मनीषा, लाइबा, रविंद्र, अभिषेक, राजू, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, तुम लोग जब जवाब देते हो ना एकदम दिल खुश हो जाता है, अ किंगडम हुज बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड इंक्लूड्स, बेटा कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, भाई वही है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में बने बताया ना प्लांट, एनिमल्स और फंजाई, इन तीनों के कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और प्रोटिस्टा में ही कौन आता है, क्राइसोफाइट, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नहीं आता है बेटा, क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लेजलेट्स, ये किसमें आते हैं प्रोटिस्टा में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, हाँ अभिषेक महापात्रा आप भी, ओके नेक्स्ट बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के आगे लिखा है एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, तो बेटा क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिल्कुल नहीं, ये कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, ये तो गलत हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, हाँ जी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, आपने पढ़ा भी होगा मेनोपॉजल स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस होती है बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड इट मेक्स द बोन्स फ्रेजाइल, ओके टूटने का डर बड़ा ज्यादा रहता है इस उम्र में, नेक्स्ट माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, तो बेटा मायोसिन फिलामेंट को स्लाइड करने से ये नहीं रोकती, क्या होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पर क्या होता है कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है माइस्थीनिया ग्रेविस में, और गाउट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो बेटा कैल्शियम नहीं यहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से घुटने में इन्फ्लेमेशन होता है, घुटने में दर्द होता है, घर में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, तो अक्सर ना घुटने में तेल मलते रहते होंगे, ठीक है तेल मलते रहते होंगे, ऑर्थो वाला तेल लेके बैठ जाते हैं और घुटने में लगाते रहते हैं, क्यों लगाते रहते हैं भाई, उनमें क्या होता है कि कभी एक तो उनमें आर्थराइटिस वाली दिक्कत होती है और दूसरा ये गाउट जो है ये किसी को भी हो सकता है, मिड एज वालों को भी हो सकता है, इसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है यूरिक एसिड का बेटा डिपोजिशन हो जाता है, चलो नेक्स्ट बच्चों, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, भाई जो सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं वो करते क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन बता दो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 49, टेल मी रविंद्र, विकास, आदित्य, रक्षित, मोहम्मद, बिलाल, हजरा, प्रशांत, लाइबा, आदित्य, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, इताची, उचीहा, बेटा क्या क्या नाम लेके आते हो, चलो साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, एक तो ये आपकी मोटिलिटी, सेल में मोटिलिटी जो प्रेजेंट है वो साइटोस्केलेटन की वजह से है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों, और शेप, सेल का जो है शेप मेंटेन करते हैं, जिस तरह तुम्हारी बॉडी में बोन्स है, हड्डियां हैं जो तुम्हारी बॉडी के शेप को मेंटेन कर रही हैं, उसी तरह सेल्स के लिए क्या है ये साइटोस्केलेटन्स है, ओके सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज, बेटा ये ग्राफ पहचानते हो क्या? आपने मुझे पहचाना, क्या आपने मुझे पहचाना? ग्राफ तुमसे पूछ रहा है बेटा, क्या आपने इसे पहचाना? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये बच्चों। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 50, फटाफट बताओ ये किसका ग्राफ है? एस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छे प्रियंका पासवान, बहुत अच्छे। यस, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। भाई वैक्सीनेशन किस पे बेस्ड है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर बेस्ड है? फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। यस, सो वैक्सीनेशन किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। ओके चलो, मुसैब बॉन्ड पूछ रहे हैं, मैम आप हमेशा हमारा नाम नहीं लेती, करेक्ट आंसर दिया उसके बाद भी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं जिसका नाम दिखता है उसका नाम ले लेती हूँ। चलो क्वेश्चन 52, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट प्रपोज्ड बाय दीज टू बोटानिस्ट इज क्लेम टू बी नेचुरल सिस्टम। भाई नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था बच्चों? बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ऑल दी स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट। बेटा फिर से बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये सारे सवाल देखकर आप लोगों को आता है मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत बड़े हैं, बट बेटा ये बड़े नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। आओ देखते हैं, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, माइक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन सिलेजिनेला लार्ज, मैक्रोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं एज इन फर्न्स। ओके सो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स इन टेरिडोफाइट कॉल्ड स्पोरोफिल, करेक्ट है। टेरिडोफाइट्स में मियोसिस अकर एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, नो बेटा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस नहीं होती है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोथैलस रिप्रेजेंट द गैमेटोफिटिक फेज इन टेरिडोफाइटा, यस गैमेटोफिटिक इन टेरिडोफाइटा इज प्रोथैलस, प्रोटोनिमा वगैरह आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा है, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओपिओइड्स कैनाबिनोइड्स कोका अल्कलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इन सबका नाम सुन के तो तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है ना। ओपिओइड्स बेटा किससे लिया था? ओपियम पॉपी प्लांट से। कैनाबिनोइड्स किससे लिया था? कैनाबिस सटाइवा से। एंड कोका अल्कलॉइड किससे लिया था? एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से लिया था कि नहीं लिया था? कोकेन का नाम सुना होगा, हेरोइन मॉर्फिन का नाम सुना होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 54, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो ये जो ओपिओइड्स कैनाबिनोइड्स कोका अल्कलॉइड जिससे तुम ऑब्टेन कर रहे हो बच्चों जिस प्लांट से, वो प्लांट है क्या? क्या वो फंजाई है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एंजियोस्पर्म्स है? हाँ जी बिल्कुल, ये क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। और ये क्या किसमें आएंगे? एंजियोस्पर्म्स में। बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं है, बैक्टीरियोफेज बिल्कुल नहीं है। ओके नेक्स्ट बच्चों, फ्रॉम अमंग द सिचुएशंस गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। बेटा ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करे, घर में परिवार की शादी को तो प्रिवेंट करे, बट रिश्तेदारी की शादी को प्रिवेंट ना करे। ओके तो ऑटोगैमी कब होगी? जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। इतनी बात समझ में आई? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी नहीं होगी, ऑटोगैमी नहीं होगी। बट जिटोनोगैमी अगर मोनोशियस प्लांट है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, तो भाई आपस में क्या कर लेंगे? पॉलिनेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पॉलिनेशन। और ये क्या करा देंगे? जिटोनोगैमी। क्या करा देंगे बच्चों? जिटोनोगैमी। तो मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर विल प्रिवेंट ऑटोगैमी बट इट विल डू जिटोनोगैमी, कैन डू जिटोनोगैमी। ओके नेक्स्ट बच्चों, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अब ये कॉकरोच के पार्ट्स को तोड़ तोड़ के यहां पर आपको दिखाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों बताओ बताओ कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है ये ए वाला पार्ट क्या है? दिस इज मैंडिबल। क्या है बच्चों? मैंडिबल। बी वाला पार्ट क्या है? दिस इज मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला। सी वाला पार्ट क्या है? दिस इज लेबियम। एंड डी वाला पार्ट क्या है? दिस इज लैब्रम। क्या होता है? लैब्रम। सो करेक्ट मैच यहां पर कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 का सी वाला ऑप्शन मैच करेक्ट है। ठीक है, बी मैक्सिला, ए मैंडिबल, सी लेबियम एंड डी लैब्रम। ओके नेक्स्ट बच्चों, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फाइकोलॉजी? फाइकोलॉजी के फादर कौन है? इट इज एफ ई फ्रिट्ज। फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट है फादर ऑफ फाइकोलॉजी।
नेक्स्ट अगेन मैच दी कॉलम है बच्चों, मैच करो और फटाफट राइट आंसर बता दो, फटाफट राइट आंसर बता दो. ओके यस जल्दी बताओ. प्रशांत राजपूत कह रहे हैं मैम जल्दी करिए केक कट करना है. अच्छा तुम्हारा बर्थडे है ना प्रशांत, अरे केक कट करना है बेटा, रुक जाओ सबर करो ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद जाके केक कट करना. आ जाओ बेटा गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया भाई गॉर्गोनिया को क्या कहते हैं, कॉमन नेम क्या है, 58 का राइट आंसर मुझे कौन बता रहा है. देखो गॉर्गोनिया को क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड सी फैन. क्या कहते हैं इसको, सी फैन. एडेमसिया को क्या कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं. मिएंड्राइना को कहते हैं ब्रेन कोरल. फाइसेलिया को कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर. पेनेटुला को कहते हैं सी पेन. क्या कहते हैं बच्चों, सी पेन. और ऑरेलिया को कहते हैं जेलीफिश. यस तो यहां पर करेक्ट मैच है ए का 5 बेटा, ए का 5, देन बी एडेमसिया, बी का 4, सी का 1, डी का 3. यस बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों. चलो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है 58 का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द हाइड्रोजन डोनर इन. बेटा पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर होता कौन है, H2S, क्योंकि ये क्या होते हैं, एनरोबिक होते हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम कॉर्क कैम्बियम और फेलोजिन यूजुअली डेवलप्स इन. बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, डायकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है वो किस रीजन में होता है भाई, कॉर्टेक्स रीजन में होगा. और कहां होगा, कहां पर होता है, कॉर्टेक्स रीजन में. ओके राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर. बेटा ग्लाइकोकैलिक्स टर्म आपने कहां पढ़ा है, ग्लाइकोकैलिक्स टर्म आपने कहां पढ़ा है, कहां पढ़ा है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक चिपचिपी सी लेयर होती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. और ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को बना देता है क्या, स्टिकी. क्या बना देता है, स्टिकी. इसीलिए कहीं पर भी बैक्टीरियल सरफेस है, कोई सरफेस है जहां पर बैक्टीरिया है और तुम उस पर हाथ रख देते हो तो तुम्हारे हाथ में वो बैक्टीरिया फटाक से चिपक जाता है बेटा, फटाक से बिना देरी के. ओके सो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम बेटा, अगेन मैच द कॉलम. आ जाओ करते हैं मैच. कोलोकेशिया, कोलोकेशिया में क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर स्टेम मॉडिफाई होता है फॉर स्टोरेज. वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, देखो वाटरमेलन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, फ्लैशी सिलिंड्रिकल, सॉरी यहां पर स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, हाँ स्टेम टेंड्रिल्स. ओपंशिया क्या है भाई, ओपंशिया, ओपंशिया में फ्लैटेंड स्टेम होता है. यूफोर्बिया में फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम होता है. और बोगेनविलिया में थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं. तो राइट मैच यहां पर कौन सा है बच्चों, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. कौन एंसेस्टर था आपका जो मीट नहीं खाया, जिसने मीट नहीं खाया. ओके सो दिस वॉज होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस जो थे ये मीट वगैरह नहीं खाए. नेक्स्ट बच्चों, द वन डिवाइड ऑफ मस्कुलर कोट. भाई मस्कुलर कोट किसमें प्रेजेंट नहीं हो गया, आपने आर्टरी और वेन का तो आपने पढ़ा है कि इसमें तीन लेयर्स होती हैं, है ना, मीडिया इंटरना इंटीमा वगैरह, आर्टरियोल में. बट कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती है सिंगल लेयर्ड होती है बच्चों, तो वहां पर कोई भी मस्कुलर कोट प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत ही थिन पोर्शन होता है. ओके नेक्स्ट बच्चों, रेस्पिरेशन डिफर्स एज कंपेयर टू कंबशन इन. भाई रेस्पिरेशन में और कंबशन में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन में और कंबशन में डिफरेंस क्या है. आप बोलो उसमें भी एनर्जी निकलती है इसमें भी एनर्जी निकलती है, मैम दोनों सेम है. बट बेटा दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है. जो रेस्पिरेशन, कंबशन की एनर्जी क्या होती है, तुरंत आपने कोई चीज जलाया, जलाया तुरंत ऑक्सीडाइज हुई, तुरंत एनर्जी खत्म. रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप. ओके स्टेप बाय स्टेप. सो यहां पर क्या है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली इन स्टेप इन कंट्रास्ट टू कंबशन. रेस्पिरेशन में आपने देखा ग्लाइकोलिसिस हुई, थोड़ा एटीपी बना, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, थोड़ा और एटीपी बना, फिर ईटीएस में जाके थोड़ा और एटीपी बनता है ना बच्चों. तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है रेस्पिरेशन. नेक्स्ट बच्चों, इफ द मास ऑफ सेल इज 60 ग्राम देन मास ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये सवाल मैं चाहती हूं आप मुझे बताएं. बेटा बायो मॉलिक्यूल में एक टेबल बनी है बहुत ही प्यारी सी, एक टेबल है बहुत ही प्यारी सी जिसमें न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज दिया गया है इन अ सेल. एक सेल में न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज दिया गया है 5 to 7%. ओके 5 to 7%. अब 60 ग्राम का 5% कितना होगा, 3, और 7% कितना होगा, 4.2 ग्राम.
तो किसी सेल में अगर 60 ग्राम जो है सेल का मास है तो न्यूक्लिक एसिड कितना होगा? 3 ग्राम से लेकर 4.2 ग्राम तक। आई बात समझ? इतनी बात समझ में आई क्वेश्चन 66 में? बेटा बताओ मुझे ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बता दो ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो फटाफट बताओ, विकास, मोहम्मद वाहिद, मंजीत, राजू, रक्षित, समझ आया ये बात? ये बात समझ आई कि नहीं है? 60 ग्राम वेट है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होता है। अब 60 का 5 से 7% निकाल लो, कितना होगा? रेंज आपको दे दी गई है ऑप्शन में। नेक्स्ट बच्चों, अ जीन एनकोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड गेट म्यूटेटेड एट 25th कोडॉन। 25th कोडॉन पर म्यूटेशन करा दिया, उसको स्टॉप कोडॉन में बदल दिया। द रिजल्ट वुड बी, भाई 25th पर म्यूटेट करा के स्टॉप करा दिया तो 24 का अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड यू विल गेट। ओके, यस, राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बेटा टेल मी एवरीवन बच्चों, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, देखो अंदर मैंने क्या बताया था, ये इंपल्स ट्रांसमिशन में पढ़ाया था। बाहर क्या होता है? पॉजिटिव, अंदर होता है नेगेटिव। नेगेटिव किस लिए? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। बाहर कौन ज्यादा? सोडियम। अंदर कौन ज्यादा? पोटेशियम। तो अंदर कौन है ज्यादा? पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके गाइस, डी ऑप्शन इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेराइटी ऑफ ब्रासिका इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट? बेटा क्या करें, बोलते बोलते ना जब दिमाग खराब हो जाता है तो फिर थोड़ा एक्सेंट लगा देती हूँ मैं, है ना थोड़ा, हालांकि मुझे आता नहीं है, बट स्टिल जस्ट ट्राइंग trying to do that accent. Okay, which variety of brassica is resistant to insect pest? बेटा ब्रैसिका की कौन सी वैरायटी है जो इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट है? तो देखो, पूसा गौरव किसकी वैरायटी है बच्चों? ब्रैसिका की, ठीक है। और रैपसीड मस्टर्ड भी, ये भी इसी को कहते हैं, पूसा गौरव को ही कहते हैं। और ये दोनों इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट है और उस पेस्ट का नाम है एफिड्स। क्या नाम है बच्चों? एफिड्स। ओके, सो पूसा गौरव एंड रैपसीड मस्टर्ड फर्स्ट एंड फिफ्थ विल बी योर राइट आंसर। बाकी ये जो है ना, पूसा स्वर्णिम, करण राय एंड पूसा सुब्रा, ये सब रेजिस्टेंट है किसके? डिजीजेस से रेजिस्टेंट है। स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में दो प्यारे टेबल बनाए गए हैं बच्चों। एक टेबल बनाया गया है डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी और दूसरा टेबल बनाया गया है पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। दोनों टेबल याद करके जाना है, वो टेबल देखने और बुक को सजाने के लिए नहीं दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया है। ओके बच्चों, पढ़ने के लिए दिया गया। वर्षा श्रीवास्तव इज सेइंग नाइस इंग्लिश मैम। ओके, थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर? कौन सा नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है? नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर बच्चा, नेचुरल इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। तो एब्सिसिक एसिड, एक तो एब्सिसिक एसिड है, दूसरा कौन है? एथाइलीन। एब्सिसिक एसिड और एथाइलीन, बेटा एबीए क्या है? ये तो इनहिबिट करता ही है। दूसरा एथाइलीन भी, ये दोनों का काम करता है, प्रोमोटर भी काम करेगा, इनहिबिटर का भी काम करेगा। जो एथाइलीन है बच्चों, ये प्रोमोटर का भी काम करेगा और इनहिबिटर का भी काम करेगा। राइट बच्चों, चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इनकमिंग शुगर एट द सिंक इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम बाय, भाई जो शुगर आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आउट ऑफ द फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी खर्च करते हैं बच्चों, एनर्जी खर्च करना होता है। ओके, सो यस, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर, भाई डेट्राइटस फूड चेन में कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं। और ये डिकम्पोजर, जयश्री बोल रहे मैम पीडीएफ मिलेगी, ऑफ कोर्स बेटा यू विल गेट द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल, सर्च टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अमृता जायसवाल, देयर यू विल गेट एवरी पीडीएफ, ईच एंड एवरी पीडीएफ देयर यू विल गेट। ओके, अभिषेक महापात्रा, यस आई प्रोवाइड डेली आई प्रोवाइड पीडीएफ, राइट, डेली सेशन के पीडीएफ वहां पर भेज देती हूँ, जाकर वहां पर ले लो, टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अमृता जायसवाल, देयर यू विल गेट। ओके चलो, तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं भाई? फंजाई भी डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर है, दोनों हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं और सेप्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी वाला ऑप्शन। ओके, राइट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली इज कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट प्लांट? बेटा मोनोकॉट प्लांट को कौन सी फैमिली रिप्रेजेंट करती है? आंसर मी फास्ट, मोनोकॉट प्लांट वाली फैमिली कौन सी है बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 73 फटाफट बताओ. 73 यस इट इज लिलिएसी. इट इज लिलिएसी. ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिविटी बोथ इन डीएनए एंड प्रोटीन. एक बैक्टीरियोफेज है जिसका रेडियो एक्टिव कर दिया गया दोनों डीएनए भी और प्रोटीन भी. बैक्टीरियोफेज क्या है? ये एक तरह का वायरस है. अब इस वायरस का आपने डीएनए भी रेडियो एक्टिव कर दिया, इसका प्रोटीन कोट भी रेडियो एक्टिव कर दिया. इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम और एक बैक्टीरिया को इससे इन्फेक्ट करा दिया. बैक्टीरियम बिकम्स रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया. बट बैक्टीरिया के किस पार्ट में रेडियो एक्टिविटी दिखेगी? दिस इज इन डीएनए. क्योंकि आपको पता है, क्या पता है बच्चों, क्या ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है बैक्टीरियोफेज से डीएनए के बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरियम के अंदर क्या एंटर करता है बच्चों? क्या एंटर करता है फटाफट बताओ? ये एंटर करता है आपका डीएनए. क्या एंटर करता है? डीएनए. ओके सो राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. द वर्ल्ड हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इक्वेशन. बेटा हियर वी गो विद द एक्सेंट. द वर्ल्ड हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इक्वेशन dN by dt is equals to RN k minus N by k. तो फटाफट बताओ k stands for, k क्या represent कर रहा है इस equation में बेटा? k क्या represent कर रहा है? Answer me fast everyone. World Hust for Logistic Growth. What a fantastic name it is, right guys? Okay, फटाफट answer करो. k stands for everyone 75. Yes, it stands for carrying capacity. R क्या होता है यहाँ पर? Intrinsic rate of natural increase. And N क्या है? Population at a time t. Okay? So right answer will be C option. Next question बच्चों. Who is the father of Indian phycology? Indian phycology के father कौन है बच्चों? It is M.O.P. Iyengar. Indian phycology पूछा है. अभी इसके पहले phycology किया था. Okay? Indian phycology. प्रशांत राजपूत अंग्रेजी. हाँ जी अंग्रेजी. It is called अंग्रेजी. है ना? चलो. So right answer is D option बेटा. M.O.P. Iyengar. Next question. Bulk flow can be achieved through a negative hydrostatic pressure gradient in. जयश्री बेटा समझ में आ रहा है? जयश्री समझ में आ रहा है बेटा? जयश्री जयश्री नाम जयश्री एक बहुत पुरानी हीरोइन थी, बहुत खूबसूरत सी. चलो क्वेश्चन नंबर 77 बेटा. बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड थ्रू अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट. बेटा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया गया है. सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ. कोका कोला पीते हो, स्ट्रॉ से खींचते हो, कैसा प्रेशर ग्रेडियंट होता है वहां पर? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट. नेक्स्ट बच्चों. अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल फ्रॉम इनर टू आउटर साइड इन द मिडल ईयर. चलो इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ. बाहर से अंदर जाते हो तो कौन मिलता है? मिस मिलती है. कौन मिलता है बच्चों? मिस. ओके मैलियस इनकस स्टेप्स. बट अंदर से बाहर आते हो तो क्या होता है बच्चों? उनका सिम मिलता है. क्या मिलता है? सिम. ठीक है स्टेप्स इनकस एंड मैलियस. तो स्टेप्स इनकस एंड मैलियस विल बी द राइट आंसर. ओके डॉक्टर अमन तिवारी मैम आप गंगवार इंस्टीट्यूट में थी. हाँ जी पहले थी. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. द स्पोरोजोइड्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड इन. भाई जो स्पोरोजोइड्स है ये इन्फेक्शन करते हैं जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती ह्यूमन बींग को. अच्छा ये स्पोरोजोइड बनते कहाँ है बेटा? बनते कहाँ है ये स्पोरोजोइड? तो ये कहाँ बनते हैं? मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड में. कहाँ बनते हैं बच्चों? मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड में. आई बात समझ? बात आई समझ? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 80. लीफ बेस इज स्वॉलन टू फॉर्म पल्विनस इन. बेटा लीफ बेस जो होता है स्वॉलन होता है, पल्विनस का फॉर्मेशन करता है कहां पर? पल्विनस का फॉर्मेशन होता है कहां पर बच्चों? लेग्यूमिनस प्लांट में. कहां पर? लेग्यूमिनस प्लांट में. भाई जो दाल वाली फैमिली है उसके जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट. इनके रूट्स में लेग्यूम्स पाए जाते हैं. ओके सो यहां पर लीफ बेस कैसा होता है? स्वॉलन होता है. ओके चलो नेक्स्ट बच्चों. ओपेरिन हाल्डेन्स व्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय. ओपेरिन हाल्डेन व्यू. ओपेरिन हाल्डेन ने जो केमिकल इवोल्यूशन की बात की थी इसको प्रूव किसने किया था एक्सपेरिमेंटली? बेटा इसको किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था? स्टेनले मिलर ने. स्टेनले मिलर ने जो गैसेस लिए थे 800 डिग्री सेल्सियस पर, गैसेस से इन्होंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया था. ओके सो राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. द इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स द एलिमेंट कॉल्ड एज. बेटा ये सेल्स कैसे हैं? इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, थिक है और लिग्निफाइड है.
थिक भी है और लिग्निफाइड है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? तो ये किसकी बात की जा रही है? ट्रैकेट्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ट्रैकेट्स की। ओके, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स आपने पढ़ा है। नेक्स्ट बच्चों, द जंक्शन दैट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स टू रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, राइट? ऐसे जंक्शंस जो ट्रांसपोर्ट को, कनेक्शन दो साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और रैपिड ट्रांसफर भी करते हैं कुछ आयंस का, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करते हैं। ओके बच्चों, चलो फटाफट बताओ ऐसे जंक्शन को आप क्या नाम देते हो? यस, बहुत अच्छे। यस, गैप जंक्शन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तुम सबका, गैप जंक्शन। रविंद्र, आदित्य, वर्षा, मंजीत, सोहन, विश्वकर्मा, नाइक क्वीन, शिवानी, प्रशांत, मंजीत, श्रेया, सीबा, यूसुफ, मनीषा, एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ फंक्शनल एडीए डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट यूजिंग, बेटा एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज इसको इंट्रोड्यूस करना है, इस जीन को इंट्रोड्यूस करना है किसी डीएनए में, किसी लिम्फोसाइट में। तो आपको पता है अगर ह्यूमंस में कोई भी जीन भेजना है, तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों जल्दी बताओ, रेट्रोवायरल वेक्टर। कौन सी गाड़ी, मतलब वेक्टर, कौन सा वेक्टर? रेट्रोवायरल। इसमें क्या यूज करते हैं? रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्लांट में भेजना है तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे प्लांट में? टी आई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी। बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी स्टेप में सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है? जल्दी से आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 85। सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन बेटा कहां पर होता है? जल्दी बताओ। कुशाल दास, मैम आप बहुत सुंदर हैं। ओके, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं? चलो जल्दी बताओ, 85 नालायको, दिमाग कहां जाता है तुम लोगों का, आ जाओ। एटीपी का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है ना, सबसे ज्यादा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पॉलिन ग्रेन्स ऑफ प्लांट 2n इज इक्वल टू 28 आर कल्चर्ड टू गेट कैलस बाय टिश्यू कल्चर। आपने क्या किया, एक पॉलिन ग्रेन लिया एक प्लांट का जिसमें 2n बराबर 28 था, तो पॉलिन ग्रेन में क्या होगा, n कंडीशन होगी, मतलब n बराबर 14, यानी पॉलिन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम, है ना बच्चों, 14 क्रोमोसोम। ओके, चलो अब इस 14 क्रोमोसोम को लेकर आपने क्या करा दिया, टिश्यू कल्चर करा दिया। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ कैलस? अरे हलवा समझ के रखे हो का, हमको हलवा समझ के रखे हो का? भाई नीट वाले कुछ भी पूछते हैं, बेटा कैलस के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, बेटा कितने क्रोमोसोम में, चलो आ जाओ, कितने होंगे, 14 होंगे ऑब्वियसली, भाई पॉलन ग्रेन को लेकर ही तो कल्चर करा रहे हो, इसमें 14 है तो कैलस में भी कितने होंगे, 14 ही होंगे, बदल थोड़ी जाएंगे बच्चों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, आसान सवाल है कि नहीं, आसान सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय दी। भाई दो डिफरेंट एंजाइम है, उनकी कैटलिटिक एफिशिएंसी क्या, कैटलिटिक एफिशिएंसी को कंपेयर करना है, कहां गया? कैटलिटिक एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हो कि कितना अच्छा वो कैटलिटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस चीज को आपको कंपेयर करना है। तो आप क्या देखोगे, कैसे कंपेयर करोगे, क्या उसमें तुम कंपेयर करोगे? केएम वैल्यू को देखोगे, ऑप्टिमम पीएच को देखोगे, एंजाइम के मॉलिक्यूलर साइज को देखोगे या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को देखोगे? आंसर मी फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 87 फटाफट बताओ बच्चों। तो देखो आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा कुछ इस तरह का, ये ग्राफ है ऐसे ऐसे पढ़ा होगा और यहां पर आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा बायो मॉलिक्यूल में, ये होता है Vmax, यहां पर कहीं पर होता है Vmax by 2 और इस Vmax का ग्राफ जब x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो यहां पर मिलता है आपको Km वैल्यू। तो इसी Km वैल्यू से क्या डिटरमाइन होता है बच्चों,
क्या कैटलिटिक एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, वीमैक्स बाई टू दिख रहा है, क्योंकि वीमैक्स तो टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस है, तो वीमैक्स बाई टू से आप डिटरमाइन करते हो, तो यहाँ पर के एन वैल्यू से आप डिसाइड कर लोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द टाइटल अलेक्जेंडर, बेटा एक्सेंट सुनना, एक्सेंट सुनना, देखो, द टाइटल अलेक्जेंडर एगेस्टस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस गोज टू, किसको जाता है बेटा ये टाइटल, थोड़ा एक्सेंट मार लिया मैंने, अलेक्जेंडर एगेस्टस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस. ओके, सो द टाइटल गोज टू बेटा वही पुराने वाले, कौन, अर्नेस्ट मेयर, कौन बच्चों, अर्नेस्ट मेयर. ओके, सो दिस टाइटल इज ऑल्सो गिवन टू हिम, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को मिला था भाई, सारी पढ़ाई इन्होंने ही कर ली थी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इन्हीं को मिला था. ओके, नेक्स्ट बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है मतलब डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेटा इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, डीएनए लिख दिए होते हम, हमको गवार समझ के बैठे हैं क्या बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए. अब डीएनए के इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इंटरनल अंदरूनी वाले, अंदर वाले बॉन्ड्स को तोड़ना है बेटा, कौन तोड़ेगा आपका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, कौन तोड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि एक्सोन्यूक्लिएज तो बाहर बाहर से डीएनए को काट के निकालता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट मेयर वॉज, बेटा अर्नेस्ट मेयर तो मतलब क्या ही बताए जाए बेटा, क्या शब्द बोले इनके लिए, क्या ही बोला जाए, क्या थे ये भाई, क्या थे ये, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. नेक्स्ट बच्चों, प्रोलॉन्ग लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन, इरिगेशन बहुत ज्यादा हुआ, पानी वानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो वहां पर कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, सैलिनिटी की. राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन. आई बात समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड फंगस विद इन अ लाइकेन, द फंगस, बेटा आपको पता है यहाँ पर कौन सा एसोसिएशन होता है, क्लोज एसोसिएशन मतलब यहाँ पर वही है, तुम ही हो, तुम ही हो, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, किसमें होता है बच्चों, लाइकेन में, ना एल्गी जी सकता है ना फंजाई जी सकता है, तो इसमें फंगस क्या करता है, फंगस का रोल क्या है भाई, फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है एक तो प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, प्रोटेक्शन, दूसरा एनकोरेज सपोर्ट, और तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इसके लंबे लंबे जो माइसीलियम है ना वो सॉइल में डीप डीप जाते हैं और एब्जॉर्ब कर करके सारा मिनरल वगैरह एल्गी को देते हैं और एल्गी बदले में फंगस को खाना बना के देता है, ठीक है, खाना बना के देता है, फूड प्रोवाइड करता है. ओके, सो राइट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, आपने एक ह्यूमन प्रोटीन को बैक्टीरिया के अंदर कैसे बना लिया बच्चा, कैसे बना लिया आपने, ऐसा क्या कैरेक्टर था जिसने आपको सिखा दिया कि आप बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बना सकते हो बेटा, इंसुलिन बना सकते हो आप बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या डिसाइड, इससे क्या आप कंक्लूजन निकालते हो, कंक्लूजन ये निकालते हो कि जो आपका जेनेटिक कोड है ना बेटा, जेनेटिक कोड ये क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी जेनेटिक कोड जैसे AUG है, अगर वो ह्यूमन में मेथियोनिन बना रहा है तो बैक्टीरिया में भी वो मेथियोनिन ही बनाएगा, कुछ और नहीं जाके बदल नहीं जाएगा, ठीक है, मौसम की तरह ये बदलते नहीं है, वो गाना है ना मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो बेटा जेनेटिक कोड ही ऐसे हैं जो मौसम की तरह बदलते नहीं है, ठीक है, आई बात समझ. तो जेनेटिक कोड क्या है बच्चों, यूनिवर्सल है, अगर आपके में कोई वो अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं तो बैक्टीरिया में भी बिल्कुल वही प्रोटीन बनाएंगे. नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स है, बेटा बोटानिकल गार्डन हो या जूलॉजिकल पार्क्स हो, दोनों किसके एग्जांपल है, एक्स सी टू कंजर्वेशन के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, एक्स सी टू कंजर्वेशन, और यहाँ पर स्वदेशी के साथ साथ विदेशी वेराइटीज भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या होती है, एंडेमिक, एंडेमिक मतलब स्वदेशी अपने एरिया की, और एक्सोटिक मतलब विदेशी, ठीक है, एक्सोटिक मतलब विदेशी, तो यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में चाहे हो स्वदेशी या हो विदेशी दोनों स्पीसीज का कलेक्शन पाया जाता है ना बच्चों, दोनों स्पीसीज का कलेक्शन पाया जाता है. नेक्स्ट बच्चों, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज, बड़ी नाइंसाफी है बेटा, ह्यूमन हीमोफीलिया जो है मेल्स में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू ह्यूमन फीमेल, क्यों,
क्योंकि ह्यूमन फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम चाहिए ना रिप्रेजेंट, अगर डिजीज कंडीशन होगी तो जब दोनों पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एच वाला तब होगी, लेकिन मेल में क्या है भाई, एक पे भी एच आ गया, ये कंडीशन आ गई, तो मेल को क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। तो दिस इज ड्यू टू, बिकॉज दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड रेसेसिव म्यूटेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस मैम, देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस लेफ्ट, वी डेली डू 100 क्वेश्चंस, सो 100 क्वेश्चंस आर देयर एंड वी आर ऑन 96 नाउ। अ वुमन विद 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइसॉमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ट्राइसॉमी ऑफ क्रोमोसोम 21 लीड्स टू, बेटा क्या करा देता है ये, इट कॉज डाउन सिंड्रोम, क्या करा देगा, डाउन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट बच्चों, हु वॉज अवॉर्डेड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अगेन कौन आ गया, ध्यान देना, अगेन कौन आ गया, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी 97, बेटा वही पुराने भूले बिसरे अर्नेस्ट मेयर, कौन, अर्नेस्ट मेयर को ही मिला था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, डीवरीज गेव हिज म्यूटेशन थियरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, डीवरीज ने म्यूटेशन थियरी दी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर काम करने के दौरान, किस पर वर्क किया था इन्होंने, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया था जिस पर इन्होंने काम किया था, तो इन्होंने लिया था बेटा ओइनोथेरा लैमार्कियाना, क्या लिया था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट पर इन्होंने काम किया था। ओके, अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग्स इन डाइट ओनली व्हेन ही सफर फ्रॉम, बेटा मीट खिला रहे हो पेशेंट को, लेंटिल्स खिला रहे हो, हरी साग सब्जी, मिल्क खिला रहे हो और अंडे भी खिला रहे हो, मिल्क यानी दूध और अंडे भी दे रहे हो, दूध और अंडे मतलब उसको क्या है भाई, उसको है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्या है उसको, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आप इन सब डाइट से आप जो है पूरा कर रहे हो, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब कौन सी डिजीज है बेटा, क्वाशियोरकर, कौन सी डिजीज है, क्वाशियोरकर। ओके, चलो एंड नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, 5 करोड़ के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके, फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ हनी बीज द साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज वाज, बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हनी बी मधुमक्खियों की लैंग्वेज को समझा, उसको स्टडी किया और इसके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिश, क्या नाम था, कार्ल वॉन फ्रिश। ओके, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, दिस वॉज 100 क्वेश्चंस फॉर टुडे, आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, यू हैव स्टडीड इट, यू हैव द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, चलो फटाफट आओ, अब कितने करेक्ट हुए जरा ये बता दो फटाफट, 100 में से आपके कितने करेक्ट हुए बच्चों, ये बता दो जल्दी से बताओ। प्रशांत खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे बेटा, अभी डिसाइडेड नहीं है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगी, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगी आपको। यूसुफ पठान मैम मेरे 94 आए, शिवानी मैम 97 सही है, बहुत अच्छे, बाकी लोग भी अपना बताएं भाई। रक्षित मेरे 94 करेक्ट, वेरी गुड रक्षित। अनिल सिंह 55, डू इम्प्रूवमेंट। मनीषा 90, ओके बेटा। जयदीप 69, बेटा डू इम्प्रूवमेंट। मुकेश सागरे 79। विकास वर्मा मैम आप इंग्लिश की क्लास कब से लेंगी आप, बेटा रोज तो लेती हूँ, अंग्रेजी में ही तो तुम्हें पढ़ाती हूँ बेटा, रोज तो अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ तुम्हें, है ना, तो इंग्लिश की क्लास यहीं से सीख लो। रविंद्र 95, ओके बेटा। शीबा 95, सोहन विश्वकर्मा 64, राजू 86, मोहम्मद वाहिद आज लिखे नहीं मैम, लाइबा नॉट काउंटेड। जयश्री 98, बहुत अच्छे बेटा। मानसी 3 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, कोई बात नहीं मानसी। जयदीप 69 करेक्ट, 13 रॉन्ग, ओके बेटा। अर्ली बर्ड्स 99, सीबा अंसारी 95, मोहम्मद बिलाल 28 29 30 बता दो, देख लेते हैं। हाँ बच्चों मैं बता दूंगी कि आपकी क्लास होगी या नहीं होगी, मैं बता दूंगी आपको, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। 30 में क्या है, 30 तो देखो ये रटना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, हैच एंड स्लैक क्या है,
ये ऑस्ट्रेलियन जो भी आगे बायोलॉजिस्ट या कुछ दिया गया है तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने दिया था, इसमें भी कुछ रटना नहीं है। और सर जेसी बोस थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, इसको पल्सेशन थियरी भी कहते हैं, ये भी इसमें भी ये सब मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नवाब खान 89, ओके बेटा। विकास वर्मा एक्सेंट, हाँ बेटा एक्सेंट बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। खान कनीज मैम श्लोक सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, चलो बहुत बढ़िया। जगदीश चौधरी 75, मोहम्मद अजीब 95, बहुत अच्छे। सुक्ति दुलाई ताली बजा रहे हैं बेटा, आपने क्लास किया। मोहम्मद बिलाल 92, नवानाथ 98, आकाश 96, ओके ओके ओके, चलो चलो जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मोहम्मद भाई 56 समझ में नहीं आया, 56 में क्या है भाई, देख लेते हैं। अरे बेटा 56 क्यों नहीं समझ में आया, ये कॉकरोच, कॉकरोच का माउथ पार्ट है ये कॉकरोच, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना वहां पे ये डायग्राम दिया गया है, माउथ पार्ट दिए गए हैं वहां पर, ठीक है। सुक्ति दुलई ग्रुप का नाम बताइए ना प्लीज बेटा, आप डॉक्टर अमृता जायसवाल चैनल है एक टेलीग्राम पर, वहां पर आप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपकी मेरे से बात हो जाएगी, ठीक है, वहां पर मेरे से बात हो जाएगी। मैम एक शायरी हो जाए, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी शायरी, अभी सुनाती हूँ शायरी तुम लोग को, है ना। तुम लोग की डिमांड में कैसे टाल सकती हूँ बच्चों, तुम्हारी डिमांड में नहीं टाल सकती, है ना। शायरी वायरी सुनने का मैंने, सुन लो फटाफट सुनाती हूँ तुम्हें। देखो कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें, एक तो कि नॉलेज, आप पढ़ाई क्यों करते हो, नॉलेज के लिए। नॉलेज जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक नॉलेज आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर, जिसका मुनाफा आपको जिंदगी भर मिलेगा, ठीक है। ये नॉलेज ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जिसका मुनाफा आपको बच्चों जिंदगी भर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, नॉलेज को ना कोई आपसे छीन सकता है ना चुरा सकता है। जो कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बेटा रोटी कपड़ा और मकान के अलावा जीने के लिए शिक्षा भी चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान के छीनने का डर होता है, कोई भी आपसे छीन सकता है, आपकी गरीबी आपसे छीन सकती है, बट नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी चीज आपको, अभी अभी टीचर्स डे हुआ है, टीचर्स डे अभी अभी गया है, तो टीचर्स डे के ऊपर मैं गुरु के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया था, है ना बेटा, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही सिखाया था, ओके। सो ये थी आज की शायरी फॉर टीचर्स, ऑल दोस टीचर्स जो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, और आपकी लाइफ में भी आपके टीचर बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे चेंज लाते हैं, ओके। कीर्तिमान पूछ रहे मैम एजुकेशन इतना जरूरी क्यों है, बेटा एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन अफेक्ट्स योर थॉट्स। आप एजुकेटेड हैं तो आपके थॉट्स जो हैं आम आदमी से डिफरेंट होंगे, ठीक है, और थॉट्स अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली भी फिट रहने की कोशिश करेंगे, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप अपना वर्क बहुत अच्छा कर पाएंगे, अगर आप अपना काम अच्छा कर पाएंगे तो आप खुश रहेंगे, राइट, इट विल लीड्स टू योर हैप्पीनेस। और अगर आप हैप्पी हैं तो जिंदगी में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दो ही चीज इंसान को चाहिए होती है, दैट्स वाई योर एजुकेशनल अल्टीमेटली टेक्स यू टू द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, ओके। सो दैट्स वाई एजुकेशन इज दैट मच इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ very 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 great role, really it plays a great role, great 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 role, ठीक है, okay। So that's all for today guys, I hope you will enjoy, you have enjoyed this session, okay। चलो telegram group के PDF open नहीं, error आ रहे हैं मैम, मुकेश सागरी, okay बेटा मैं अभी देख लेती हूँ क्यों error आ रहे हैं, ठीक है, okay then stay tuned with us बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, मिलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ पढ़ाई बहुत जबरदस्त करते रहो, और कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त पर 7:30 बजे, कल मैं कराऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी और इवोल्यूशन,
ह्यूमन फिजियोलॉजी और इवोल्यूशन के सवाल आपको कराए जाएंगे बच्चों। टिल देन बाय।